In the previous video we have learnt about the limbs and the joints. Now we will study about the muscles and movement. The soft and stretchy band of tissues are called muscles. There are more than 600 muscles in our body and they perform different functions. हमारी बॉडी में क्या है सॉफ्ट एंड स्ट्रेची जो बैंड है टिश्यूज़ को उन्हें हम क्या कहते हैं मसल्स यानी जो नरम और स्ट्रेची बैंड के टिश्यूज़ को मसल्स कहा जाता है हमारे शरीर में 600 से भी अधिक क्या है मसल्स हैं और वो क्या करती हैं अपना अलग अलग कार्य करती हैं दे टाइटन एंड रिलैक्स एंड हेल्प्स अवर जॉइंट्स इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी वे कसने और आराम में मदद करती हैं और जोड़ों के मूवमेंट में किससे मसल्स को अटैच करने के लिए हड्डियों को मजबूत फाइबर कहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं टैंड कहते हैं यानी दे टाइटन एंड रिलैक्स एंड हेल्प्स अवर जॉइंट्स इन मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी मसल्स आर अटैच द बोन्सट्रॉन्ग फाइबर विच आर कॉल्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन अवर बॉडी मतलब हमारी बॉडी में क्या होती है डिफरेंट टाइप्स की मसल्स होती हैं फर्स्ट इज योर वॉलेंट्री मसल्स वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है यानी आर्म्स नेक शोल्डर्स एंड लेग्स है वॉल्ट्री मसल्स एज दे आर अंडर आवर कंट्रोल क्योंकि आर्म्स है हम उन्हें क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग नेक है उसे मूव कर सकते हैं और शोल्डर्स एंड लेग्स को भी हम मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर सेल्फ नेक्स्ट इज योर इन वॉलेंट्री मसल्स सम मसल्स हेल्प इन अवर ब्रीदिंग मूवमेंट ऑफ फूड इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड फ्लो ऑफ ब्लड दे वर्क ऑन देर ओन एंड सो आर कॉल्ड इन वॉलेंट्री मसल्स दे आर ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स इन वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती ये क्या करती है अपनी तरीके से काम करती है इस तरह क्या कहते हैं इन वॉलेंट्री मसल्स जैसे ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथिंग क्या है एक प्रोसेस है ये ऐसा नहीं है कि जब हमारा मन करेगा तब हम क्या करेंगे ब्रीथ करेंगे बेटा जैसे हम क्या कर रहे हैं रिस्पायर करते ऑक्सीजन है, लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं यह हमारी मूवमेंट है हमने क्या किया है फूड ईट किया है फिर वो क्या जाएगा हमारे फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाएगा फिर क्या होगी डाइजेशन होगा तो ये सब होता रहेगा और ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी में वो क्या है ये अपने तरीके से अपना काम करते वर्क ऑन देयर ओन सो दे आर कॉल्ड मसल्स नेक्स्ट इज योर कार्डेक मसल्स कार्डेक मसल्स कौन सी होती है द मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स यानी जो मसल्स किस कौन से हार्ट क्यों क्या कहते हैं हार्ट मसल्स को क्या कहते हैं कार्डेक मसल्स दे पंप ब्लड टू द द ऑल दार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड आर इन वोल्ट्री इन नेचर ये क्या करती है ये पंप करती है ब्लड को टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और कैसी होती है इन वॉल्ट्री इन नेचर यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती ये अपना वर्क अपने आप करती है नेक्स्ट इज अवर नर्वस सिस्टम द नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है हेल्प करता है सारे पार्ट ऑफ बॉडी को क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में जस्ट लाइक द ब्रेन द स्पाइनल कोड एंड द नर्व कंस्टिट्यूट अवर नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम में क्या क्या कंस्टिट्यूट है क्या क्या है ब्रेन द स्पाइनल कोड एंड द नर्व नेक्स्ट इज अवर ब्रेन ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है हमारी बॉडी में वो क्या है मेन ऑर्गन है हमारे नर्वस सिस्टम का इंस एंड रिसीव्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये क्या करता है ये भेजता है भी है और लेता भी है सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द में क्या होता है थ्री पार्ट्स होते हैं फर्स्ट इज योर सेरिब्रम सेकेंड इज सेरिब्रम एंड थर्ड इज मेड्यूलर सेरिब्रम क्या होता है ये सबसे लार्जेस्ट और मेन पार्ट होता है ब्रेन का यह क्या, क्या करता है हमारे साइंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और क्या एक सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस ठीक है क्या करता है हमारे कंट्रोल करता है हमारे सेंस ऑर्गन्स को इट कंट्रोल्स आवर वॉइस एंड ऑल्सो हेल्प अस टू थिंक लर्न रिमेंबर एंड रिकॉल ये किस किस में हेल्प करता है हमारी वॉइस यही हमें हमारी वॉइस को कंट्रोल करता है हमें हेल्प करता है कि हमें क्या थिंक करना मतलब क्या सोचना है क्या याद करना है क्या हमें जो हमने पुराना याद किया है उसे क्या करता है हेल्प करता है रिकॉलिंग करने में नेक्स्ट इज अवर सैरिब्लम इट इज एन एक्स शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड ब्लो द सेम इट इनेबल्स द मसल्स कॉर्डिनेशन एंड द बैलेंस ऑफ अवर बॉडी ये कैसे शेप में होता है एग की शेप में होती है इसकी स्ट्रक्चर कैसे होता है एग शेप स्ट्रक्चर होता है और किसके नीचे होता है सैरिब्रम के नीचे ये क्या करता है हमारे मसल्स कॉर्डिनेशन या फिर जो भी हमारी बैलेंस होता है हमारी बॉडी का उसमें क्या करता हैल्प करता है नेक्स्ट इज योर मेड्यूला ऑल्सो brain एज the medulla is a स्टैम shaped स्ट्रक्चर which लाइज एट द बॉटम ऑफ द ब्रेन ये क्या है इसे मस्तिष्क का तना भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इसकी आकृति होती है तने जैसी होती है ये मस्तिष्क के, के नीचे वाले हिस्से में होता है इट कंट्रोल्स एंड कॉर्डिनेट्स मूवमेंट ऑफ द इनवॉल्ट्री मसल्स लाइक ब्रीदिंग हार्ट बीट ये हमारी गति को नियंत्रित करता है जैसे कि हम सांस लेते हैं ब्रीद करते हैं या फिर जो हमारी हार्ट बीट होती है हमारी दिल की धड़गनए होती हैं उनमें क्या होता है ये कंट्रोल करता है उसके ऊपर नेक्स्ट इज अवर स्पाइनल कोड द थिक कोड दैट एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द ब्रेन स्टैम टू द लोअर एंड ऑफ द बैक बोन इज कॉल्ड द स्पाइनल कोड यह तने के जैसी मोटी नाड़ी होती है जो मस्तिष्क के नीचे के हिस्से से होती हुई नीचे की तरफ रीढ़ की हड्डी होती है इट इज़ इंक्लोज इन द स्पाइन और द बैकबोन एंड कनेक्ट्स द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी थ्रू नर्व्स इसे हम स्पाइनल कोड कहते हैं यह रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है मस्तिष्क में हमारे शरीर की भिन्न भिन्न प्रकार की नर्व्स होती हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडिया ये मसर, ये नर्व्स किसी भी जानकारी को लेने में पहुँचाने का काम ब्रेन से शरीर के अन्य भागों तक करती हैं

स्पाइनल कोड इन नर्व्स की वजह से हमारा शरीर व गर्दन जुड़े हुए होते हैं ब्रेन से और अन्य शरीर की अन्य सभी नर्व्स स्पाइनल कोड से जुड़ी हुई होती हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी देर आर थ्री काइंड ऑफ नर्व्स हमारे शरीर में तीन प्रकार की नर्व्स होती हैं कौन कौन सी फर्स्ट इज यर्व सेकेंड इज मोटर नर्व थर्ड इज मिक्स नर्व सेंसरी नर्व्स क्या होती है दीज ब्रिंग नर्व्स ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल Code. ये नर्व्स किसी भी संदेश को साइंस ऑर्गन से लेकर ब्रेन व स्पाइनल कोड तक पहुंचाती हैं। द डिफरेंट ऑर्गन्स ये नर्व्स किसको ब्रेन को कमांड देती हैं कि माशपेशा और अलग गानेंद्रियों को यानी अलग ज्ञनेन्द्रियों को क्या दे संदेश दे नेक्स्ट इज योर मिक्स नर्व देर आर दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स एज वेल एज मैसेजेस फ्रॉम दर्गन टू द्रेन दीज आर कॉल्ड मिक्स नर्व ये नर्व इस प्रकार की होती है कि ब्रेन से संदेश को मास्पेश द्वारा ज्ञान इंद्रियों तक पहुंचाती है और ज्ञान इंद्रियों से मस्तिष्क तक पहुंचाती है नेक्स्ट इज योर आवर बॉडी हैज रिफ्लैक्स एक्शन अवर बॉडी हैज समेटिक रिस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल इव विच अ हॉट और शार्प ऑब्जेक्ट और बॉयलिंग वाटर वी विद ड्रॉ अवर यानी हमारे शरीर के कुछ कैसे होते स्वतंत्र रिस्पॉन्स होते हैं जैसे यदि हम किसी भी गर्म व नुकीले सामान को छू लेते हैं या उबलते पानी को छू लेते हैं तो हम क्या करते है? अपना हाँ हैं अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं बेटा अगर हम क्या करते हैं हॉट पैन को टच करते हैं इंसान मस्त तो क्या होते हैं फटाफट से अपना हाथ उठा लेते हैं क्यों क्योंकि हमें क्या होता है वो हीट है, लगता है गर्म लगता है These actions are instant and does not involve the brain and are called reflex action. ये actions क्या होते हैं बहुत instantly होते हैं बहुत जल्दी होते हैं और इसमें brain की कोई भी involvement नहीं होती कि हमें brain कोई message send करेगा या receive करेगा तब तो हम अपना हाथ हटाएंगे नहीं ये क्या होते हैं हम फटाफट से उस हाथ को हटा लेते हैं ये क्या होते हैं Reflex action. Such actions are controlled by the spinal cord. ये जौड़े सारे जो actions होते हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं बाय द स्पाइनल कोर तो स्किन इज जिसे हम टच कर रहे हैं वो क्या है रिसेप्टर ऑर्गन ये क्या करता है सेंड करता है सिग्नल को द स्पाइनल कोर और स्पाइनल कोर क्या करती है ऑर्डर करती है मसल्स को ऑफ द हैंड विच एज एक्ट एफेक्टर ऑर्गन जैसे हमने टच किया है ठीक है किसी भी हॉट पैन को टच किया है तो हमारी स्किन क्या होगी रिसेप्टर ऑर्गन होगी फिर वो क्या करेगा सेंड करेगी सिग्नल्स को टू द स्पाइनल कोड ठीक है स्पाइनल क्या करेगा फिर सिग्नल्स को को देगा मसल्स ऑफ द हैंड की अपने हाथ एक्ट एज इफेक्टर ऑर्गन वो किसकी तरह करेगा एक्ट एक्टेज अफेक्टर ऑर्गन ठीक है तो क्या ये सारे जो एक्शन होते हैं ये बहुत ही इंस्टेंट होते हैं बहुत जल्दी होते हैं इसमें इतना टाइम नहीं होता कि हमें सोचने का है कि भाई हमारे हाथ क्या हो रहा है गर्म हो रहा है तो हम तब हटाएंगे नहीं जैसे ही हमें क्या लगा है? हम पैन को टच कर रहे हैं या फिर किसी भी कोल्ड ऑब्जेक्ट को जैसे इन विंटर्स हम कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम क्या करते हैं फटाफट से अपने हाथ को हटा देते हैं